वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कहाँ आया हूँ, ट्रेलर देख के हिंट देख के पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला होगा तब पर भी मैं आपको बोल देता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। तो मैं आया कहाँ, दिल्ली दरबार नाम में दिल्ली में दिल्ली पहुँच गया हूँ बिना टिकट से। तो आज का जायका मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, आप लोग क्या क्या यहाँ पे आओगे टेस्ट करोगे वगैरह वगैरह। यहाँ पे वैसे ये दिल्ली दरबार जो पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तब ये फेमस था, किसके लिए मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ का बिरयानी और चिकन टिक्का कबाब एक नंबर खाने में, ऊपर से अगर मटन बिरयानी हो जाए ना भाई मुँह में पानी आ जाता। मैं एक बार रात में ज़बरदस्ती घर से बोल के यहाँ का बिरयानी मंगवाया था बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था। और यहाँ का उस समय का बिरयानी का केस कुछ अलग ही बात है, लेकिन आज भी उस तरह है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ का खाना भी अभी तक वैसा सेम टेस्ट है। तो ऑब्वियसली होना चाहिए, अगर खाना का टेस्ट अगर सेम नहीं होगा तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके इस वीडियो को हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट तो करना ही है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देरी ना करके शुरुआत करते हैं। भैया आप लोग क्या खा रहे हो अभी, यहाँ का थाली या अलग अलग से मंगा के? चिकन कैसा लगा और उसका रोटी? चिकन में क्या आपको अच्छा लगता है? चिकन के अलग ग्रेवी ऑनली सिंपल चिकन खा रहे थे चिकन दे आती है। चिकन करी, मटन करी, परवल का सब्जी ना, मतलब अभी चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खत्म हो चुका है। शोरमा रोड पैक हो रहा है। ये रोटी है कि खुसखुस है? ये रोटी है, रुमाल की रोटी है, मैदा वाला, लेकिन बहुत जगह खुसखुस चलता है। और ये तो यहाँ का बहुत फेमस हो चुका है, मैं पूर्णिया में तो ये बहुत फेमस हो चुका है दिल्ली दरबार का।
ये जाएगा अभी ग्रिल में। एक सीक 120 मैंने एक प्लेट में कितना पीस है बटन लगा रहे हैं, बिना बटन का तो मजा नहीं है, तो घी ले तो बटन। शवरमा का क्या प्राइस है? 70 रुपीज। मैं यहाँ का एड्रेस जल्दी से जल्दी बोल देता हूँ, एड्रेस है कहाँ। आप लोग ने अगर लाइन बाजार का बड़ी मस्जिद देखा होगा, उसी के ठीक उल्टा साइड में ये दिल्ली दरबार है। फिर से मैं बोल देता हूँ, लाइन बाजार का उल्टा साइड यानी लाइन बाजार का बड़ी मस्जिद की उल्टा साइड में ये दिल्ली दरबार का रेस्टोरेंट है। आप लोग समझ गए होंगे तो चलो ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये हाफ डन किया हुआ है, इसके बाद ये जाता है कहाँ, वहाँ पे। तो ये भैया इसको फाइनल डन करके यहाँ से जाएगा इनके पास। और ये क्या बटर, अमूल बटर, सबका चाहिए था अमूल बटर। अभी क्या बना रहे हैं? चिकन चिल्ली विथ बोन। एकदम हो गया, एकदम गर्मा गर्म चिली चिकन। और ये जाएगा अभी थोड़ा हल्का सा इसमें ग्रेवी होगा कि नहीं चाचा? अब ये बन गया, क्या समझ ले आया? अब ये बन गया चिली चिकन। तो ये शवरमा कितना किलो यहाँ पे लगता होगा? 18 केजी टोटल। और बाद में फिर क्या देते हैं फिर चिकन से? बाद में और फिर चल क्या क्या दिए हैं?
टमाटर तो दिखाई पड़ रहा है, प्याज भी है, धनिया पत्ता भी है, और ये क्या म्यूनिस ऊपर में क्या दिया, धनिया और कलंजी। धनिया है, अजवाइन है, मंगरेला है। वाह, एकदम दिल्ली के स्टाइल के जैसा बन रहा है। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली से हो? अमूल बटर चचा लगा रहे हैं, गलती से चचा बोल दिया आपने भैया। ये दुकान 11 साल हो गया। 11 साल हो चुकी है। तभी क्या फेमस था, अभी क्या फेमस है? अभी यहाँ का चिकन टिक्का, चिकन तंदूरी, लेग कबाब, चिकन टिक्का, बटर मसाला, चिकन दो प्याजा, कोरमा, हांडी, चिकन मंचूरियन, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और क्या बोलते हैं, चिकन चिल्ली, ये सब है। सबसे अधिक चिकन टिक्का यहाँ का मशहूर है। तो यहाँ का मैंने शवरमा का बहुत नाम सुना है, बहुत। ये शवरमा आज से 2 साल पहले स्टार्ट किए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा चल रहा है। जब उस समय खुला था तब हम बहुत छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब घर में जीत करके बिरयानी मंगवाए थे। उस समय का टेस्ट और अभी का टेस्ट तो एक ही है। जो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, पैसा 2000 रुपये इधर उधर आगे पीछे होते रहता है, लेकिन जो क्वालिटी हम दे रहे हैं शुरू से अभी तक दे रहे हैं और यही कारण है आदमी पसंद करता। यहाँ का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग जैसे कि सुबह में 12 बजे से आपको मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन चावल, चिकन चावल, मछली चावल, सादा खाना ये मिलेगा रात के 11 बजे तक। और उसके बाद ये सब जो आइटम है आपको चिकन टिक्का हो गया, तंदूरी लेग कबाब या चिकन शोरमा, ये सब आपको 4 बजे के बाद मिलेगा। 4 बजे के बाद? हाँ, 4 बजे से लेकर के 11 बजे तक। ये क्या जोमेटो में आएगा? जोमेटो में हम लोग काम किए थे, ठीक है। जब जोमेटो यहाँ शुरू में पूर्णिया में आया था उस समय हमने काम किया था इसके साथ 6 महीना। लेकिन हमारे यहाँ जो है जो कस्टमर है वो हमारा बंधा हुआ कस्टमर है। कोई इतना बड़ा शहर ये नहीं है कि जो बाहर से 4 गो रेलवे स्टेशन है या और कुछ है जो आएगा। जो कस्टमर है हमारा इसी शहर का या 2-4-10 होता है जो बाहर से आता है, तो उसमें जोमेटो से कंप्लेन यही हमको मिल रहा था। जैसे कि मेरा जो पार्सल है जो भी आदमी लेकर के जाता है तो उसको मालूम है टिक्का का कितना पीस है, चिल्ली में कितना पीस है, तो जोमेटो वाले जो है उसको निकाल लिया करता था। ये कंप्लेन अक्सर मेरे साथ में आया था, इसी लेकर के मैंने उससे कहानी ख़त्म कर लिया। उसके बाद स्विगी वाला भी आया था मेरे पास, लेकिन फिर उसका भी ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं किए। तो आप अपने से? हाँ, हम अपने से डिलीवरी करते हैं। मिनिमम पूर्णिया के अंदर कहीं भी कर देते हैं, मिनिमम 3 किलोमीटर के अंदर अगर
रहेगा और मिनिमम मेरा जो है 300 रुपए का ऑर्डर होना चाहिए, आप कहीं भी कर देंगे। ऑर्डर करने का नंबर नंबर है 9801809801808443। किसी में कोई अगर बोलेगा कि फलना जगह में करना है, हाँ वो पहुंच जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इंतखाब आलम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो आज आप हमको क्या ट्राई करेगा? आप जो बोलिएगा हम करवा देंगे। चलिए तो एक टंगड़ी कबाब। अच्छा ठीक है, यहाँ पे टंगड़ी कबाब ना। फन के अंदर क्या लगा है? हाँ कितना क्या? 200 रुपए एक बर्गर। अच्छा इसमें तीन लेयर जाता है, एक में प्याज और टमाटर होता है, दूसरा में चिकन होता है। अच्छा तब हम तीन लेयर का बर्गर भी कह सकते हैं, चिकन बर्गर। ये आपका शोरमा तैयार हो रहा है खाने के लिए। आपको खिलाएंगे हम। ये जो भाई साहब आप देख रहे हो जो बन रहा है, बटर वटर दे के एकदम ग्रिल हुआ, मेरे लिए बन रहा है। और वहाँ भी टंगड़ी कबाब बन रहा है जो मैं आपको दिखाया था। और जब तक टेबल में पूरा नहीं आता मैं आपको दिखा दूंगा। वो आपका खाने में भैया? हाँ दो बर्गर खाना। तो भाई आपका देरी ना करके शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो चटनी है और हल्का सा मेयोनीज पसीने से लथपथ है। पूरा चिकन भर भर के ये एक होता है शवरमा में रुमाली रोटी, बहुत जगह में देते हैं, बहुत जगह में कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो पुण्या में मिलता है दिल्ली दरबार में ये मैदे वाला रोटी है। खाने में उनका ही स्वाद है, रोटी का अलग से कराने एकदम मेयोनीज के साथ। और ये सब चीज गरम खाने में मजा है, लेकिन गर्मी में गरम थोड़ा पसीना होगा, लेकिन ठंडा में अगर खाते हो ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय तो पसीना उसीना नहीं आता होगा, लेकिन अभी का टाइम में पसीना होगा।
तो यहाँ पे पूरा मेनू है, आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ का टंगड़ी कबाब और ऊपर में जाएगा अमूल बटर। हल्का सा धनिया, प्याज, अदरक, मिर्च, हरी मिर्च। ये कौन सा मसाला? चाट मसाला। घर का खुद बना, आप लोग बनाते हैं? हम लोग तो अपने से बनाते हैं। ऊपर में एकदम प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची उर्ची देके, और सबसे स्पेशली क्या अमूल बटर। भाई साहब देखो, एक बार देखो, आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग तो आए होंगे लेकिन बहुत कोई नहीं आए हो, लेकिन खा लो, खाता हूँ। वाह, एकदम सॉफ्टनेस, कुछ अलग ही सॉफ्टनेस है। इसके ऊपर अंडा भी दिया है। हाँ, अभी मैंने ठीक से गौर किया, इसलिए स्वाद थोड़ा चेंज हो गया। हल्का सा प्याज, एकदम चिकन तो अलग ही सॉफ्टनेस था, एकदम जूसी, क्योंकि मैरिनेशन भी मेन है। तो सबसे पहले मैं शवरमा के बारे में बोलूँगा। आप लोग ने देखा ही होगा कि मैं खाते खाते क्या बोल रहा था। अगर आप लोग बाई चांस उसको मिस कर चुके हो, उसको फिर से रिप्ले करके दे सकते हो, फिर मैं बोल देता हूँ। भाई उसमें अलग सा एक करारनेस आ गया था, हम जब बटर लगा के दिया है, वो भी ग्रिल हुआ है, और तंगड़ी लेग का तो तंदूरी कुछ अलग है। उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं उस खाते खाते क्या बोल रहा था। भाई एकदम अलग लेवल का चिकन का सॉफ्टनेस है। अच्छा, ऊपर से उसमें अंडा भी गया, क्या बात क्या बात। और ये कीड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य करना है।
तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय। अरे भाई सब्सक्राइब भी कर देना।